नमस्कार दोस्तों, जीके चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे बिहार में स्थित एक गोलघर की कहानी के बारे में। दोस्तों वैसे तो अंग्रेजों ने कई दशकों तक शासन किया और कई इमारतों का निर्माण भी कराया। ऐसे ही एक कार्य बिहार के पटना में हुआ, जहां तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने साल 1770 में बड़े भयानक अकाल से उबरने के लिए एक गोलघर का निर्माण कराया। दोस्तों इस गोलघर का निर्माण ऐसे समय पर करवाया गया जब भारत में लाखों नागरिक भयानक अकाल से मर रहे थे। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के आदेश पर इंजीनियर कैप्टन जॉन गास्टन ने इस घर का निर्माण किया था, जिसकी शुरुआती साल 20 जनवरी 1784 के दिन हुई और 20 जुलाई 1786 के दिन यह बनकर पूरा हुआ था। गोलघर के निर्माण के लिए गास्टन ने बांकीपुर में अपना डेरा लगाया था। जिस बंगले में गास्टन साहब रहा करते थे वही बंगला आज बांकीपुर का गर्ल्स हाई स्कूल है। 29 मीटर ऊंचे इस गोल घर में करीब 1,40,000 किलो अनाज का भंडार किया जा सकता था। बता दें कि उस समय यह गोल घर पटना की सबसे ऊंची इमारत हुआ करती थी। इस गोल घर के ऊपरी सिरे पर एक छिद्र बनाया गया है जिससे अनाज को गोल घर में भरा जाता था। अनाज को बाहर निकालने के लिए 4 दरवाजे बनाए गए हैं। छत तक जाने के लिए 2 सर्पिला का सीढ़ियों को बनाया गया है। इसका आकार 125 मीटर और ऊंचाई 29 मीटर है। इसमें कोई भी स्तंभ नहीं है और इसकी दीवारें उधार में 3.6 मीटर मोटी हैं। गोल घर के शिखर तक पहुंचने के लिए 145 सीढ़ियां हैं। इसे राज्य सरकार ने 1979 में राज स्मारक के रूप में घोषित कर दिया था। इस इमारत से शहर का एक बड़ा हिस्सा देखा जा सकता है। वहीं इसे देखने के लिए हर साल हजारों पर्यटक बिहार आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गोलघर बनाने के बाद इसमें खामियां सामने नजर आने लगी। गोलघर के दरवाजे भीतर की ओर खुलते हैं, जिसकी वजह से इसे कभी भी पूरा नहीं भरा जा सकता था। दूसरी खामी यह है कि गर्मी के कारण इसमें जल्दी ही अनाज सड़ने लगता था। इसी कारण इस गोलघर को बनाने का उद्देश्य कभी भी पूरा नहीं हो पाया। इसमें अनाज भी कभी संग्रह नहीं किया जा सका। उस समय अंग्रेजों ने गोलघर के निर्माण में खामियों को कैप्टन जॉन गास्टन की मूर्खता कहा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और साथ साथ इसे लाइक भी कीजिए, जिससे कि हमारा प्रोत्साहन बढ़ सके और हम आपके लिए और भी रोचक भरे वीडियो ला सके। दोस्तों हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।